हेलो दोस्तों, ये एक ब्लोवर है। ये ब्लोवर चल नहीं रहा है और हवा भी बिल्कुल नहीं दे रहा है। तो मैं आपको इस वीडियो में ये हवा क्यों नहीं दे रहा है, ये चल क्यों नहीं रहा है, इनके बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले वायर लगा के और इसको चेक करना है कि ये क्यों नहीं चल रहा है। तो चेक करोगे तो ये देखो, दोस्तों अगर इस तरह की चिंगारी उठ रही है, इस तरह की अंदर जलने की सी, जो ये देखो कार्बन जल रहे हैं, इसका मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके दो कार्बन दिए हुए हैं, दोनों कार्बन को खोलेंगे और खोल कर चेक करेंगे। सबसे पहले इस जो कार्बन वाली केप है, इस केप को खोल लेना है। केप को खोल कर और चेक करेंगे कि इसके अंदर कार्बन सही है या खराब है। कई बार क्या होता है, एक कार्बन खराब हो जाता है, कई बार क्या होता है, दो कार्बन खराब हो जाता है। तो अब क्या करेंगे, इस स्प्रिंग को निकाल के और फिर चेक करेंगे कि इस कार्बन सही है। ये देखो, इसका तो ये कार्बन है वो सही है, एकदम टकाटक कार्बन है, अंदर भी एकदम सही था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब इसका दूसरे वाला जो कार्बन है, उस कार्बन को खोल के देखेंगे कि इस कार्बन के अंदर कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। तो खोलने के बाद में पता चलेगा कि कार्बन के अंदर प्रॉब्लम है, इसका मतलब कार्बन चेंज। ये देखो, इसके अंदर ओनली स्प्रिंग ही है, कार्बन 1% भी नहीं रहा है इसके अंदर। ये देखो, अब दोस्तों क्या होता है, आर्मेचर भी जल सकता है, फील्ड भी जल सकती है इस कार्बन की वजह से। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके अंदर कार्बन डाल के देख चेक करेंगे। कई बार क्या होता है, कार्बन खराब हो जाता है लेकिन और कोई नुकसान नहीं होता है। तो सबसे पहले कार्बन डाल के चेक कर लेंगे। ये देखो, ये 220 का कार्बन लगेगा इसके अंदर। ये जो ब्लोअर है, इसके अंदर हमेशा 220 का कार्बन लगता है। अब क्या करेंगे, इस कार्बन को चेक कर लेना है, इसकी कहीं स्प्रिंग है वो खराब तो नहीं है ना, सब कुछ चेक कर लेना है। कई बार नए कार्बन में भी स्प्रिंग खराब आ जाती है, कार्बन खराब आ जाता है। तो आपको अच्छे से चेक कर लेना है कि इसका कार्बन सही है या खराब है, वो सब कुछ चेक कर लेना है। अब दोस्तों इसका कार्बन है वो डालकर चेक करेंगे कि कार्बन में अगर चल रहा है तो ठीक है, अन्यथा इसको पूरी को खोलेंगे और इसका जो आर्मेचर है वो देखेंगे। तो क्या करना है, इसको जो कार्बन है, इस कार्बन को अंदर डाल देना है और डाल के फिर इसके ऊपर ये केप है, इस केप को टाइट कर देना है। केप के अंदर तीन चूड़ी दी होती है, तीन चूड़ी को टाइट कर, दोस्तों ज़्यादा टाइट नहीं करना है क्योंकि ज़्यादा टाइट करने से कई बार केप है वो टूट जाती है। अब क्या करेंगे, इसका जो दूसरे वाला कार्बन है वो इसके अंदर डालेंगे और डाल के फिर इसके ऊपर केप लगाएंगे। दोस्तों कई बार कार्बन है वो फिट नहीं बैठता है, और अगर आराम से ढीला ढीला होना चाहिए, अगर ढीला ढीला है तभी कार्बन सेट होता है, अन्यथा ये कार्बन है वो सेट नहीं होता है। तो आपको अच्छे से देख लेना है, दो तीन बार डाल के देख लेना है अंदर ढीला है या नहीं है। अगर ढीला है इसका मतलब कार्बन डालना है, अन्यथा ये कार्बन नहीं डालना है। तो क्या करना है, अब इसको चेक कर लेना है। ये देखो, अब क्या करेंगे, इसके अंदर ये केप लगा देंगे, केप को लगा के फिर इसको टाइट कर देंगे, और टाइट करके फिर मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या करना है। अब दोस्तों जो केप है, इस केप को टाइट कर देना है। ये देखो, ये केप है वो हमने टाइट कर दी है। अब दोस्तों इसको चला के देखेंगे कि ये चल रही है या नहीं चल रही है। इसका जो दो वायर है, दोनों वायर को लगाएंगे और वायर को लगा के फिर इसको प्लग में लगाएंगे। अगर चल रही है तो ठीक है, नहीं चल रही है तो इसका आर्मेचर उसको खोल कर देखेंगे। ये देखो दोस्तों, दोस्तों हमारी मशीन है वो टकाटक तैयार हो गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से तैयार हो गई है। इसमें कार्बन की प्रॉब्लम थी। अगर दोस्तों आप इस मशीन को तैयार कर रहे हैं और इसके कार्बन से अगर सही नहीं चल रही है, तो अब क्या करना है, इसके चार पेच दिए हुए थे। सबसे पहले चार पेच ऊपर वाले खोल लेने हैं, उसके बाद में नीचे तीन पेच दिए हुए, तीन पेच खोल के फिर आपको ये आर्मेचर निकाल लेना है। आर्मेचर को भी अच्छे से चेक कर लेना है, फील्ड को भी अच्छे से चेक कर लेना है, और इसका जो स्विच है इसको भी चेक कर लेना है। आराम से आप देख सकते हो, लेकिन अच्छा रहा कि ये कार्बन से चल गई है, हमारे मात्र 20 रुपए के खर्चे में मशीन वो तैयार हो गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना।